ये नर पौधा है ना सर? हाँ, नर पौधे में भी देखिए इतना जो है फल आया है। तो ये आपने क्या किया, ऊपर जो है इसकी तुड़ाई कर दी ना? जी, मतलब आपने ये भी प्रण कर लिया कि इसमें से भी हमने 10-5 किलो फल ले लेना है। हाँ, जी जी, 30-40 फल है, छोटे छोटे मिला के सब 30-40 फल है। एक एक किलो होगा 30। फल आ बता देखा जाए, फल आया जी जी, इसमें फल आ रहा है ना? ये नर पौधा है बिल्कुल। हाँ। लेकिन इसकी कुछ अलग से, जैसे तो नर में ही निकला था। हाँ, ये नर में निकला था, ये नर में निकला। आप जो निकल रहा है ये देखिए, आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद में इसमें जो है फल आने लगा है बिल्कुल जैसे मादा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह, आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, आपको मैं बहुत सारी वीडियो देता रहता हूं, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आए हैं पपीता की खेती के बारे में। उस खेत को आज मैंने विजिट किया जहां पे आज से 3 महीने पहले जब मैं आया था तो मैंने असलम भाई को फोन किया कि भाई साहब पपीतवा को काहे रखे हैं, उसको जोतवा दीजिए। तो बोले नहीं, अभी मैं जेपी भाई इस पे कई चीजों का रिसर्च करना बाकी है, मैं रिसर्च करता हूं और उसके बाद मैं आपको फिर से लेके आने की कोशिश करके, पौधे को मतलब जिंदा करके लाने की कोशिश करके दिखाऊंगा आपको। और आपको सही बताऊं, आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए ये है बगिया, इतना गजब का जो है इनका रिस्पॉन्स आया है। आप देख सकते हैं पूरे पौधे लगभग लगभग 90% स्वस्थ हैं, जो 10-5% है वो अस्वस्थ सिर्फ इसलिए हैं कि कहीं कहीं लीफ कर लिया, कई बीमारियां हैं जो कि लग जाती हैं पौधों में। तो हम अपने असलम भाई से मिलाना चाहूंगा आपको किसान भाइयों की, कैसे इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए क्या क्या किया है, किसान भाई जरूर जान लें, क्योंकि जो किसान भाई बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो सबक होगी उनके लिए दोस्तों। तो मैं अपने असलम भाई साहब को पूछना चाहूंगा कि कैसे कैसे क्या किया है। असलम भाई नमस्कार, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में स्वागत है। असलम भाई, जैसा कि हमने बताया किसानों को कि आपने इस बगिया को, हम बगिया को कह सकते हैं कि आपने रीजनरेट किया है, इसके पीछे का राज क्या है सर? क्योंकि जब मैंने देखा था तो आपको हमने भी कहा था, घनश्याम भाई साहब ने भी कहा था कि इसको जुतवा दीजिए, तो आपने कहा कि नहीं हम इसको करेंगे, तो सर किस तरीके से इसको आप वापस लाए हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये सबसे पहली बात तो हम इसको नवंबर महीने में लगाए थे जी, मैराडोना का ईस्ट बेस्ट कंपनी का मैराडोना वैरायटी थी जी 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 जी। उसके बाद हम जिस बंदे से लिए थे उसने हमें धोखा दिया, फिर वो फोन बंद कर दिया, हम लोगों से बात नहीं किया। तो नवंबर से दिसंबर जनवरी तक तो अच्छा था सर। आप नाम बताना चाहेंगे उस बंदे का, क्योंकि हमारे किसान भाई फिरोज हसन इलाहाबाद का, फिरोज हसन जो इलाहाबाद के हैं। हाँ। उनसे कभी भी किसान भाई आप पौधा ना लें। हाँ। ये चीज का ध्यान रखें, कोई भी नंबर से कॉल आए। सही, जी जी, आगे बताएं। उसके बाद हम लोग फरवरी में जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, वो ठंड गई और गर्म आया, उसी समय इसमें फंगस आ गया जी। और हमें जानकारी थी नहीं कि ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए जी जी। फिर उसी के बाद हम YouTube पे देखे VC100 के विषय में जी जी। VC100 को मैं लाया, 5-5 दिन के बाद 8 बार मैं डाला जी, जरा से भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद हमें एक बंदा इमरान करके, 12 बंकी का बंदा है, वो रेडी 786 का वो लोग पौधा बेचते हैं जी जी जी, हम समझ रहे हैं। बात हुआ तो उनकी नर्सरी भी है अच्छी खासी। हाँ, उनकी नर्सरी जी, है जी। फिर इमरान भाई ने हमें बताया कि भैया आप इस पे सीधा सा रजत HD पे चले जाइए, 5 ml पर टंकी रजत HD। कौन सी कंपनी की दवा है सर? नहीं मालूम। इरिच का है क्या भैया? इरिच का। अच्छा, इरिच का, कंपनी का रजत HD 5 ml पर टंकी में डाला। उसके 5 दिन के बाद पिगासस और जंप जी डाला जी जी। 15 दिन पे फिर से मैं रजत HD रिपीट किया जी। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद पिगासस और रिजेंट SC अच्छा रिपीट किया जी जी जी। पौधे स्वस्थ हो गए। मतलब आपका ये 1 महीने का अंतराल जो रहा। हाँ। उसमें पौधे आपके स्वस्थ हो गए। हाँ, लगभग 1 महीना लगा ना सर। तो उसके बाद जो अभी आपका देख पा रहे हैं, क्या आप उन्हीं दवाइयों का स्प्रे रिपीट कर रहे हैं सर, या इस पे कुछ और चीज डाल रहे हैं जो आपको ये जादुई सा? हाँ, पौधा स्वस्थ होने के बाद फिर मैं सब कुछ छोड़ के सीधा लोमसी पे चले गए।
जी, तीन तीन दिन के गैपिंग में तीन बार लोमसी मारा था जी। फिर उसके बाद हर हफ्ते लोमसी मारने लगा, मतलब आपने टाइम बढ़ा लिया। हाँ, जी हर हफ्ते लोमसी। अभी सर कितने दिन में मारे? पे हम एकदम सेफ हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं दिख रहा। मतलब आप किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि अगर हम शुरू से लोमसी डाले होते तो शायद ऐसा न आपको मौका पड़ता, क्योंकि लोमसी में एक सबसे बड़ी खासियत होती है जो मैं जानता हूँ कि इम्यून पावर जो है पौधे का बहुत अच्छा जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर लोमसी से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, बहुत बेहतरीन है जी। लेकिन कभी भी जब आप स्वास्थ्य पौधा हो उस समय शुरू करिए जी। पहली बार तीन तीन दिन के बाद मार दीजिए, उसके बाद हर हफ्ते। अच्छा, फिर हर हफ्ते। तो सर एक चीज बताएं, लोमसी का आपका जो खर्चा पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है एक एकड़ में अगर हम चाहें तो, या आपका जितना भी है कितने पौधे हैं सर? ये 12 रुपए पर टंकी पड़ता है लगभग, मात्र 12 रुपए पर टंकी। तो यहाँ पे आप 1 ml ही डालते हैं या कुछ बढ़ा के जाते हैं आप एक उस पे? शुरू शुरू में मैं 1.5 ml डाला था, फिर मतलब शुरू में आपका 18 ml था, फिर बाद में आपको 18 रुपए था टंकी, अभी 12 रुपए टंकी हो गया, तो इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा आपका पीछे तो हो गया है, तो आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जैसे नीचे से जो फल आता है वो अलग चीज होती है, मेरा पर्सनल सवाल सर आपसे। अब ये थोड़ा सा हाइट पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका फल आना शुरू हुआ है, लगभग ये यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से। तो ये 1.5 फीट का जो सर आपका गैपिंग गया है, तो इसके लिए भी आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे? क्योंकि आगे जब फल आएंगे, अब तो स्वस्थ हो गए पौधे आपके, फल आना स्वाभाविक है, तो आप ये बताइए इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेंगे, बंधाई करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि ये आपको जरूरी मुझे लगता है करना चाहिए। हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जो पौधे जिसमें फल आ रहा है बहुत अच्छी मोटाई लिया है, आगे चल के आप देखिए बहुत अच्छी। जी जी, आगे चलिए सर, आगे देखते हैं, आगे चलिए। जी जी हाँ, क्योंकि उसमें जो फल आए हुए हैं उनको दिखाइए सर। तो क्यों किसान भाई इस चीज से हमको कमेंट करेंगे, तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि हाँ क्या है क्या नहीं। पौधा है, हाँ ये पौधा देखिए, तो नहीं लगता कि इसमें ये, हाँ ये पौधा देखिए काफी जो है मोटा हो गया, इसमें रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 जी, ये भी पौधा देख लिया आप, इसमें इस समय लगभग लगभग 100 पौधे से 100 फल से कम तो, हाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक तो 100 फल है सर, लेके 100। जी 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 जी, और हमें अच्छा एक चीज बताएं सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी देखिए कि एक एक में तीन तीन फल आए हुए हैं, तो इसमें सर किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, तीनों फल छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? दो छोड़ना चाहिए, फिलहाल मैं अभी तोड़ा नहीं हूँ, लेकिन दो रखना चाहिए। आप तोड़ेंगे? दो रखेंगे। जी जी, तो सर कितना कितना आपका खर्चा आया था अभी तक का सर, जैसे आपने लगा दिया तो पर पेड़ कितना खर्चा आ चुका है? एक्चुअली उस समय मैं नवंबर महीने में लगाया था, उस बंदे ने हमें 35 रुपए में पौधा दिया था और गारंटी लिया था कि मैं लास्ट तक आपसे टच में रहूंगा, और साथ छोड़ दिया, और जैसे ही मैं पौधा लिया पैसा दिया, फिर उसके बाद से वो हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी, नहीं दिया। जी जी, तो यहाँ पे भी आप किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिससे भी लें, अगर उसका आप नर्सरी तक विजिट ना करें, घर तक ना पहुँचे तब तक आप उससे ना लें, फोन पे बिल्कुल आप ना लें। हमारा सौदा हुआ था, हाँ बंदा फ्रॉड था, अच्छा आदमी नहीं था। जी जी जी, तो सर अभी हमारा अंदाज है कि जैसे आपके पौधे ये हैं 500 के लगभग पौधे हैं सर, ये नहीं 207 पौधे। अच्छा, ये 207 पौधे हैं। 207 जी, 207 पौधों का मतलब है कि अगर आप 50 किलो भी फल पा जाते हैं तो इस समय का जो रेट चल रहा है 30 चल रहा है सर, तो कुल मिला के अच्छी आमदनी हो जाने वाली है। अभी तो हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? आपका आप किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि लगाएं या ना लगाएं? क्योंकि लोगों को किसान के ऊपर ही भरोसा है, जो हमारे किसान है वो जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों का ओपिनियन क्या है इसके प्रति। नहीं, सही तो यह है कि हम कम से कम मिनिमम जो है 4 बीघा लगाना चाहते थे, इसलिए 250 पेड़ इसलिए लगाए थे कि हम इसमें जो भ्रांतियां थी कि पपैया जो है हमारे इलाके में सक्सेस नहीं होगा, इसीलिए मैं लगाया था, इसीलिए रोग लगने के बाद भी मैं हटा नहीं कि जब हमें लंबे पे जाना है तो इसको झेल के देखना है कि क्या पोजीशन बनेगा। जी, तो अभी इस चीज पे पहुंचे हैं, हाँ, कि पपैया की खेती करने लायक है, है करने लायक है, जी लायक नहीं है, अच्छा है, केले से बहुत बेहतर, केले से बेहतर है। अच्छा सर एक चीज बताएं, अभी जैसे आपका फल आने लगा है, सब कुछ सही है, आपने कहा लोमसी से पूरा कंट्रोल है, इसमें एक चीज ऐसी है जो कि क्या कोई ऐसा रोग आप बताएं कि जो आने वाला हो, जो आपको मालूम हो और
आगे आकर के आपको हो सकता कि परेशान करे, कोई एक रोग बताइए, क्योंकि ये जानकारी आपको है और आप लगभग लगभग पपैया में जितने रोग होते हैं हमें जितनी जानकारी है सारे रोग लग चुके हैं इसमें। अच्छा, मतलब खत्म कहानी, से झेल चुके हैं जी। और फल मक्खी के लिए आपने ट्रैप लगा रखा है? फल मक्खी के लिए ट्रैप लगा दिए हैं। सर कितना ट्रैप लगाया है इसने आपने 250 पेड़ में? फल मक्खी के लिए 15 है और वो ट्रैप जो है वो 22 है। अच्छा अच्छा, 22 इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट के लिए मतलब आप इस पे आप कुल मिला के धीरे धीरे आप रासायनिक से शुरू जरूर हुए थे लेकिन अब कुल मिला के आप जैविक पे आ चुके हैं। नहीं, खाद तो मैं टोटल जब से शुरू किया था फास्फोरिक पहले चलाता था मैं, फास्फोरिक डीएपी और पोटास जी ड्रिप से। हाँ हाँ। और अब जो है सल्फोरिक और डीएपी और पोटास चला रहे हैं जी। और फ्लड में कभी कोई खाद नहीं दी है, सिंगल सुपर फास्फेट एक बार डाले हैं बस शुरुआत में बेसल डोज में। नहीं, अभी एक महीने पहले थोड़ा सा डाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद हम जमीन में खाद नहीं दिए जी जी। और कीटनाशक हमें मजबूरन यूज करना पड़ गया था लेकिन अब नहीं करेंगे जी। अभी लोमसी पे आपका कंट्रोल चल रहा है? लोमसी अच्छा है, कोई बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास, सबसे बेहतर है जी। हाँ, इस पूरे प्लाट में 3 पौधे जो निकले थे नर जी, उसके हम ऊपर हमें एक महाराष्ट्र का बंदा बताया।